नमस्कार स्टूडेंट्स, आई अमरनाथ झा गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 25 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स. दिस वर्कशीट इज 6 सितंबर 2021. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, और ये चैप्टर नंबर 6 से संबंधित है. आइए पहले हम कुछ ऑब्जर्व करें. यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक आदमी है जो उस पेड़ को और इस पेड़ को, दोनों को एक ही सीध में देख रहा है, ठीक है. और दूसरे में एक जहाज, एक सी शोर पे समुद्र के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है. वो समुद्र के किनारे लगे झंडे को और एक जहाज को, दोनों को एक ही सीध में देखता है. तो उससे क्या दिखाई देता है? ये और ये समांतर है और इसे दो पॉइंट पे उसको कट करती है. और साथ ही जो ये अपॉन में ये बराबर में ये अपॉन में ये होते हैं, यही हमारे पास बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय कहता है. स्टेटमेंट देखें. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two sides are divided in same ratio. If a line is drawn parallel to, एक line इसके triangle के, एक triangle के यानी इस triangle के एक साइड के पैरेलल एक साइड खींचा गया जो कि दूसरे अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, मीट करता है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. आइए हम बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय की ओर चलें. ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय तीनों के नाम से जाना जाता है. इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ अ टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन टू सेम रेशियो. अब उसके लिए, उसको प्रूफ करने के लिए, ये तो स्टेटमेंट हो गया. फिर हम गिवन करेंगे. तो गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है. पहले एक तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल लेते हैं हम. पहले इसको हम ये थ्योरम, ये फिगर को समझने का प्रयास करते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं. ये हमने ट्रायंगल ले लिया. अब कह रहा है एक साइड इसके पैरेलल है, खींचना है, तो इसके पैरेलल हमने एक साइड खींच लिया. ये हमने नीचे वाले के पैरेलल खींच लिया. ये अब ये तो हमें हो गया, नाम हमने दे दिया. ये ए है, ये बी है, ये सॉरी पहले ए बी सी एक ट्रायंगल था, बी और सी, ये डी हो गया और ये ई हो गया. इतना हमने समझ लिया. अब हमें प्रूफ करना है क्या? ये तो हमें गिवन में हो गया. प्रूफ करना है क्या? ये अपॉन में ये यानी ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये प्रूफ करना. उसके लिए हमें, तो उस प्रूफ को सही करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, तो पहले इसको मिलाए, फिर इसको मिलाए, साथ ही यहाँ से परपेंडिकुलर भी हम डालेंगे. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला ये, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला ये. अब ये जो हमारा ट्रायंगल है, फिगर है, ये इस तरह का बन गया. अब ज्वाइन बी ई सी डी एंड बी एम पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ए सी और ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी. पहले फिर से एक बार देखें, पहले हमने क्या करना है. देखिए बच्चों, यदि आपको अभी तो थ्योरम आएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन आएगा. यदि थ्योरम आता है कोई, तो उसको इसी पार्ट में सबसे पहले जो दिया होता है उसको गिवन के रूप में लिखते हैं. तो ये हमारे पास जो एक ट्रायंगल था,
उसके पैरेलल हमने एक दिया हुआ, जो एक पैरेलल लाइन भी खींचनी है, तो पैरेलल लाइन खींच लिए। अब उसके बाद हमने इसको और इसको मिलाना था, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना था, ये हमारा फिगर बन गया। अब आइए फिगर की सहायता से, जो दिया हुआ फिगर है उसकी सहायता से उसको प्रूफ करना सीखे। अब हम प्रूफ तक पहुंच गए थे, कंस्ट्रक्शन तक हो गया था हमारा प्रूफ। अब आते हैं इस ट्रेंगल का हम एरिया निकालते हैं, जब ये परपेंडिकुलर है तो उसका क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा, तो ये हो गया बेस और इस पे हाइट हो गया ये, यानी ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन हाफ। इसी प्रकार अब हम इस ट्रेंगल की ओर आते हैं, इस ट्रेंगल की ओर, जिसका नाम है बी डी ई। बी डी ई पे आते हैं, तो उसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ये हो जाएगा और हाइट यहाँ पे ये हो जाएगा, तो डी बी इंटू ई एन। अब एरिया ऑफ ये अपॉन में एरिया ऑफ ये रख करके देखा, तो ये हो जाएगा हाफ ए डी इंटू ई एन यहाँ से और इससे ये, तो ये ई एन, ई एन कट गया, ये कट गया, तो बच गया ए डी अपॉन में डी बी। अब हम आते हैं दूसरे साइड में, यहाँ जब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो उसी का भी त्रिभुज ए डी ई का भी का ही एरिया अपॉन में इसका एरिया हो जाएगा सिमिलरली। तो ए हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस तो इसके लिए ये है ए ई, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये, और इसमें बेस ये और परपेंडिकुलर ये, तो ये कट जाएगा, डी एम डी एम कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, इसका हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। इसको समीकरण वन। और देखिए ऊपर में तो एक जैसा है, नीचे अलग अलग है। अब नीचे की कंपैरिजन करते हैं, नीचे में क्या है, सेम बेस है, देखिए दोनों का जो है सेम बेस है, यही बेस है। तो इसमें लिख सकते हैं ट्रेंगल बी डी ई, यानी बी ये डी था, बी डी ई, और यहाँ पे जो दूसरा त्रिभुज था डी ई सी, लाइज ऑन सेम बेस डी ई और बिटवीन सेम पैरेलल, ये और ये पैरेलल है सेम पैरेलल से, तो इसीलिए दोनों का एरिया बराबर होता है। तो इस प्रकार नीचे वाला भी एक जैसे हो जाएगा। तो समीकरण वन, इक्वेशन वन एंड टू से ए डी अपॉन में डी बी बराबर में ई सी अपॉन में ए ई अपॉन में ई सी, यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी में कह रहा है, इसको एक्सटेंड करके ये भी किया जा सकता है, ए डी अपॉन में डी बी के बदले ए बी भी किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम इसमें प्लस वन कर देते हैं, प्लस वन कर देते हैं दोनों साइड, तो डी बी हट करके ये वाला पूरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक, इसी का ऑपोजिट यानी कन्वर्स करता कहता है, इफ अ लाइन डिवाइडेड इन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल इन सेम रेशियो, यदि सेम रेशियो में डिवाइड करता हो तो ये जो होगा लाइंस जो होगा वो पैरेलल होगा, यानी ये हो तो इसका मतलब ये। अब इसी का जो एप्लीकेशन है, इस बार एप्लीकेशन बेस्ड ही आएगा सवाल, तो आइए एग्जाम्पल देखें किस तरह का एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ये इसमें ये और ये पैरेलल है, तो कह रहा है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बीपीटी थ्योरम से क्या होता है, ये अपॉन में ये बराबर में ये अपॉन ये, तो इस तरह से सजा लिया, तो हमारे पास हो गया एक्स अपॉन में 3x+4 इजकल टू एक्स प्लस 3 अपॉन में 3x+19। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा, इसको करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 3x²+19x, और इसको करेंगे इससे तो पहले 3x को
प्लस 4 को एक्स से करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x। अब 3 से करते हैं 3x प्लस 4 को तो ये हो जाएगा 3 3 9x प्लस 12। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 19x 19x और ये हो जाएगा 3x² प्लस 9 4 13x प्लस 12। अब ये से ये कट गया, 19x में 13x गया बराबर में 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6x = 12, तो x की वैल्यू हो जाएगा 2 जो यहाँ दिया हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में साइड ए बी और ए सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, विच इज पैरेलल टू साइड बी सी, ये इसके पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में ए बी ये पूरा, और ए ई अपॉन में ए सी। तो हम बीपीटी थ्योरम से जानते हैं इसको, बीपीटी प्रमेय से ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो देखिए हमें हटाना क्या है, हटाना है यहाँ पे ए बी यानी डी बी हटाना है, ये हटाना है तो अपोजिट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन में ए डी और इजकल टू ए ई सी, ई सी अपॉन में ए ई, जिसको रखना है उसको नीचे करना है, प्लस 1 दोनों साइड हम अब प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 इधर भी प्लस 1 इधर भी, तो ये हो जाएगा बी डी प्लस ए डी अपॉन में ए डी इजकल टू ई सी प्लस ए सी अपॉन में ए सी। अब बी डी प्लस ए डी ये प्लस ये यानी पूरा ये, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी। उसी प्रकार ये हो जाएगा ये ए ई था, ये ए ई था तो ए सी अपॉन में ए ई, फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में ए बी इजकल टू ए ई अपॉन में ए सी। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हमेशा की तरह जब सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो देखिए जो सवाल इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, ये दिया हुआ है एस टी पैरेलल है क्यू आर का, तो ये बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्स ये अपॉन में ये यानी एक्स अपॉन में 7.2 इजकल टू 1.8, 1.8 अपॉन में 5.4। तो पहले ही एक्स बराबर कर लें, 1.8 × 7.2 अपॉन में 5.4, तो डेसिमल हटा करके करना चाहें या नहीं, यह हट गया इससे हट गया और इसके बदले यहाँ फिर 10 रख दिया, तो 18 या 54 तीन तीन ये 24, 24/10 यानी 2.4 इसका आंसर आ गया 2.4, और साथ में यूनिट भी लगा हुआ तो सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल कहता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये आपके वर्कशीट में ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया हुआ है तो इसी को करना है, स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेटमेंट भी है और प्रूफ भी है, तो इसी को कर ले। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।